देश में समय समय पर जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने की मांग उठती रही है और एक बार फिर जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, जिसे उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाई जाए और वहां लागू अलग संविधान को भी अघोषित किया जाए। विजय लक्ष्मी झा की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रपति के आदेश भर से इस अनुच्छेद को खत्म किया जा सकता है। वैसे अनुच्छेद 370 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट 3 और याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। अब आइए आपको बताते हैं कि अनुच्छेद 370 है क्या। संविधान का अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रबंध के जरिए जम्मू और कश्मीर को एक विशेष स्वायत्तता वाले राज्य का दर्जा देता है। 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू कराने के लिए केंद्र को राज्य का अनुमोदन होगा। इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर पर संविधान का अनुच्छेद 356 लागू नहीं होता। राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त का अधिकार नहीं है। इसके तहत भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते। यहाँ के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है, एक नागरिकता जम्मू कश्मीर की और दूसरी भारत की होती है। साथ ही इसके अंतर्गत यहाँ दूसरे राज्य के नागरिक सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360, जिसमें देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वह भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। अनुच्छेद 370 की वजह से ही जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा और प्रतीक चिन्ह भी है। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को तमाम सुविधाएं मिलती है, जिसे हटाने की अक्सर मांग होती रहती है। हालांकि सूबे के राजनीतिक दल इस मांग का पुरजोर विरोध करते रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।